कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन लाइफ। मैं आज डॉक्टर महेंद्र सावरकर जो एमडी मेडिसिन है और डीटीसीडी भी है और कंसल्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, मैं डॉक्टर हसन मिर्ज़ा जो कंसल्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के नागपुर शहर से, आज डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है और इसका महत्व इंसान के लिए क्या है। डॉक्टर सावरकर प्लीज़। तो डॉक्टर मिर्ज़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, ठीक है। अभी जिस ढंग से आपने सवाल पूछा, टोटली इसका जवाब वैज्ञानिक दृष्टि से देना चाहिए। आपके जवाब का नेचर जो है, उसकी कंपोजिशन जो है, आप वैज्ञानिक दृष्टि से चाहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है। हम तो वे विज्ञान से थोड़े परे हो गए, है ना। 25 साल हमने प्रैक्टिस करने के बाद में जब हमको लगा कि भाई ये वैज्ञानिक तरीके से कि इंसान सही ढंग से ठीक नहीं होता, उसकी एनर्जी की लेवल और उसका टोटल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ही टोटल अलग किस्म का है, उसके आधार पे पर मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोलना चाहता हूँ, ठीक है। नॉट इन द टर्म्स ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। अभी बात ऐसी है कि ये ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, ठीक है। केमिकली आप उसको एनालाइज किया है ना, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके फायदे तोटे जो कुछ भी है मैं आपके थोड़े सामने रखता हूँ कि विज्ञान कोलेस्ट्रॉल को क्या कहलाता है ना। विज्ञान कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही डेंजरस मॉलिक्यूल समझता, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत खतरा है ऐसा वो समझते, ठीक है। और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती, तो उसको घटाने के लिए बहुत सारी आपको मेडिसिन भी देते रहते, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है कोलेस्ट्रॉल का। इसके अभी हमने बोला ये विज्ञान ऐसा कोलेस्ट्रॉल बारे में जो अपने शरीर में ही तैयार होने वाला प्रोडक्ट है, ये इंसान को कैसा क्या इतना डेंजरस साबित हो सकता, सोचने की बात है कि नहीं। जो चीज़ अपने शरीर में तैयार हो रही, नेचुरली तैयार हो रही, और ये तैयार होने वाली चीज़ ऐसी कैसे अपने को यानी खतरा साबित हो सकती, हमारा इसके बारे में दो मत है। फिर हमने कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी छानबीन की, तो इसकी केमिस्ट्री देखिए कोलेस्ट्रॉल की, तो ये कोले कैल्शियम ड्रिंक है जो केमिस्ट्री में आप बोलते हैं, है ना। और बाद में थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि के जैसे इसके ऊपर नज़रिया डाला, तो दिस इज़ द बेसिक मॉलिक्यूल इन द बॉडी विच डिराइव द लॉट ऑफ द एनर्जी एंड विच मेंटेन्स योर बॉडी इन द वेरी सिस्टमिक वे बाय गेटिंग मॉडिफाइड इनटू वेरियस केमिकल स्ट्रक्चर्स। ये तो कोलेस्ट्रॉल से तो अपने सेक्स हार्मोन तैयार होते, अपना टेस्टोस्टेरोन लेको, एंड्रोजेंस लेको, अपने ईस्ट्रोजेंस लेको, मेल फीमेल हार्मोन देखो, बाकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग हार्मोन देखो, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर उसका मॉडिफिकेशन, ये कोलेस्ट्रॉल रिंग जो है इसका बॉडी में मॉडिफिकेशन होके अपने पूरे एंडोक्राइन सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड हो जाती। तो क्या ये जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, जो बेसिक फंडामेंटल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये कैसा क्या डेंजरस साबित हो सकता जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसका एनालिसिस किया कि ये कोलेस्ट्रॉल का बेसिक संपर्क आता जो आता वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की जो रिंग है, इसका बेसिक फंडामेंटल तो सोर्स ऑफ ओरिजिन तो कोलेस्ट्रॉल ही है। फिर आपका सेक्स का ड्राइव जो है, आपका लिबिडो जो है, आपका सेक्स की एनर्जी जो है, वो काय के ऊपर निर्भर रहती है आप ही बताइए। ये तो प्योरली टेस्टोस्टेरोन की लेवल अपने मेल में और इस्ट्रोजन लेवल पर डिपेंड रहती है ना, राइट। यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था तो ये रिंग बनती नहीं थी, ये अपना सेक्स हार्मोन नहीं बनती थी, है ना, राइट। फिर क्या आदमी नपुंसक बन जाता था? यदि नहीं बनता था आदमी, मैं बताता हूँ, आदमी में उतनी एनर्जी और ड्राइव नहीं रहता था यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता था तो, बिल्कुल सही। और उसके जीवन के लिए भी उसका जीवन भी ऐसा लिथार्जिक और डल और सुस्त बन जाता था, जो कि आज आप गोलियाँ खा के कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियाँ खा के वैसे बन गए हो, है ना। LDL, HDL, ये क्या क्या चीज़ें नहीं, अभी देखो ये कैसा है, ये विज्ञान का मामला है, विज्ञान का मामला है, एविडेंस कैसे है। अब इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया,
कि जो लोगों को आपत्ति आई थी, है ना, जो लोगों को ब्लड प्रेशर है, जो लोगों को हार्ट के अटैक आए, जो लोगों को डायबिटीज़ है, उनमें उन्होंने देखा है कंपेरेटिव ट्रायल करके भी ये सभी लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है और कोलेस्ट्रॉल में मात्रा बढ़ गई तो डायरेक्ट उसकी एसोसिएशन लगा दी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो ये होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके बारे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हाइपरटेंशन के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल के कारण हाइपरटेंशन हुआ, ये बड़ा पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ऐसे टाइप का सवाल है ये, है कि नहीं। अब उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उसके साथ में हाइपरटेंशन दिखा तो एसोसिएट कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल से ये होता है। अरे मैं तो बताऊँ, ये कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट को इतना बदनाम कर दिया वैज्ञानिक लोगों ने कि जिसके ऊपर में ये ग्लोबल रैकेट बन गया मार्केटिंग का। एग्जैक्टली, सारे दुनिया को कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियाँ खिला रहे। और कुछ लोग तो जिनका कोलेस्ट्रॉल लो है उनको भी हाइपरटेंशन है, फिर वो क्यों है? हाँ, ये बात, ये सोचने की बात है ना। अपन क्या करते हैं, अपन वन साइडेड व्यू देखते हैं का जिसमें आदमी का लाभ है, जिसमें मार्केट है, जिसमें पैसा मिल रहा है, तो उसको आप लोग बड़ा वैल्यू देते। और यदि हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने की जरूरत नहीं, तो हमको यानी आप बोलेंगे कि ये कुछ तो विपरीत बता रहा है, इसका बुद्धि भ्रम तो नहीं हुआ है कि नहीं। मैं बताता हूँ, कोलेस्ट्रॉल यदि बॉडी में तैयार बनता, यदि नैसर्गिक रीति से तैयार होता, तो अपने शरीर में जो कुछ भी स्थिति बनती है, जो कुछ भी केमिस्ट्री बनती है, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को एनर्जेटिक और उत्साही और आनंदी रखने के लिए बनती है, है ना। आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, देखो आपका, आप जो लोग कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं उनका सेक्स ड्राइव कितना है, आप पूछ के देखिए, क्या बात है ना। अरे ये तो जिंदगी में आनंद देने वाली क्रिया है, जो कुछ भी शॉर्ट में आपको थोड़ी बहुत अनुभूति मिलती ना, लोग तो आप समाधि हो सकते हैं, वो ब्लिसफुल स्टेट जा सकते, लेकिन ये दो मिनट के पीरियड में तो आपको थोड़ी बहुत तो झलक तो मिल जाती है आनंद की, है ना। तो आपका कोलेस्ट्रॉल आप गोली खा के आप टैपर करेंगे तो तुम्हारी सेक्स की ऊर्जा कितनी बढ़ती है और कितनी आपके पास में, आप ही बताइए हमको। जल के जबकि अल्टीमेट लाइफ का जो मोटो है सेक्स ही है। मोटो नहीं है, लेकिन ये क्रिया है, जो कि क्रिया रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी है, है ना, क्रिएशन की क्रिया है। नेचर तो चाहता कि भैया क्रिएट होती जाइए, हम नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, नेचर यही चाहता, नेचर डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता ज़्यादा। डिस्ट्रक्शन आप लोगों का अपने बुद्धि, विपरीत बुद्धि से होता है। नेचर ने जब कोलेस्ट्रॉल तैयार किया तो उसके पीछे में कुछ मकसद ही होगा कि नहीं, तो वो बताता वो सिर्फ सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होने के कारण वो अपने एनर्जी का ड्राइव बढ़ाने वाला है। और ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम में जो कोलेस्ट्रॉल दिखता, आप ये देखो कि ये लोगों की जिनको ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में है उनकी हैबिट्स देखो, क्योंकि उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इसलिए बनता कि वो कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन करते ही नहीं, वो सदोदित अपने काम में रहते, सिडेंडरी काम करते रहते, उनको मकसद पैसा कमाने में और बाहर की दुनिया में यानी अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहते, एक जगह पे बैठे रहते। ये एनर्जी जो बॉडी में पैदा होती है उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए ना, यानी जिस तरह दूसरी एक्टिविटी से वैसे सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ऐसा और जीवन तो परिपूर्ण होना चाहिए ना। राइट, सिर्फ एक ही गोष्ठी एक चेयर पर बैठे 10 से 5 से 6 बजे तक ओवर टाइम करके ऑफिस में जाके लैपटॉप पैसा मिला लिया जीवन हुआ, ऐसा नहीं समझता मैं। अपना शरीर का एनर्जी का सही ढंग से प्रॉपर वैसे ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब जिसके ऊपर तुम्हारे ऊपर में बहुत निर्बंध और ताबू है, है ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है ना। आपकी व्यग्रता और व्यवस्थता के कारण आप लोग इतने बिजी रहते का आपका सेक्स ड्राइव तो पूरा टोटली यानी शापित है। यहाँ ये जीवन मान में तुम्हारा सेक्स तो पूरा शापित है, है ना। इतने निर्बंधन इतने है तो यानी जिस नैसर्गिक ढंग से आपने करना चाहिए वो भी आप लोग करते नहीं, तो ये ऊर्जा कितनी यूटिलाइज होती, होती नहीं, थोड़ी बहुत होती होंगी, आपका कहना स्टोर रह जाती है। हाँ, तो इसके मतलब क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में जब ना होती थी एक्यूमुलेट हो जाता है ना, बॉडी तो स्टोर करेगा ही, जैसे आपकी चर्बी जमा होती है कोलेस्ट्रॉल वहाँ रिजर्व फंड करके जमा होता। अब ये रिजर्व फंड का कोलेस्ट्रॉल ये बीमारी के में दिखा लोगों को, क्योंकि ये जनरली ये लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है जो मैंने बताया, ये शायद मेरे गलत भी हो सकता है, लेकिन 90% लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी गई जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, सिडेंटरी वर्कर रहते हैं। हमको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे जो विलेजेस वर्कर्स है नहीं तो जो कुछ भी अपने मेहनती काम करते हैं इसमें, तो हमको कभी ऐसी ज़्यादा मात्रा में बड़ी नहीं दिखी, ना उनको हाइपरटेंशन देखा, डायबिटीज देखा, है कि नहीं। और बात ऐसी है कि ये कोलेस्ट्रॉल का सही ढंग से यूटिलाइजेशन उनके इसमें हो जाए तो उनकी दिनचर्या देखी तो उसमें ऊपर उनको कोई बंधन नहीं, निर्बंधित रहता। ये ऐसा समझिए कि कोलेस्ट्रॉल आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको आपने रखना ही चाहिए अपने साथ में। कोलेस्ट्रॉल के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी है, आपका यही कहना है ना? मेरा कहना ये है कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल यदि आपकी मात्रा में बढ़ी है, आप दवाई लेके उसको मत घटाइए, वो नैसर्गिक क्रिया ऐसी करिए कि कोलेस्ट्रॉल वो यूटिलाइज हो जाए तो बढ़ेगा ही नहीं,
आप क्रियाएं बंद कर देते और गोलियां दवा के देते तो आपकी हेल्थ की सेहत के लिए वो फायदेमंद है। अल्टीमेटली यू आर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल जीवन शैली को अपने बदलाव में लाने के बाद आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका कहना है। कोलेस्ट्रॉल मैं तो बोलता कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, पहली बात ना कोलेस्ट्रॉल से कोई बीमारी होती, वही एसोसिएशन है जो वैज्ञानिक ने बताई, ये सिंपल एसोसिएशन है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ में इसकी रिलेशनशिप है तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल घटाओ। कोलेस्ट्रॉल एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ना कोलेस्ट्रॉल से कोई आपत्ति होती है, उन्होंने लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। अच्छा। अपने यहाँ निर्बंधित जीवन जो है उनका बंधित जीवन जो है उसको स्वतंत्रता से मुक्त जीवन जीने का ये करना चाहिए, कोई क्रिया में कोई बाधा नहीं रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपको नहीं जो विज्ञान बताता कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए वैसी नहीं जाएंगी, कि उसको यूटिलाइज करो, उसको दवाई से मत घटाओ, आप नैसर्गिक जीवन जियो। आपको कोलेस्ट्रॉल घटाने की और गोलियां खाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कि आपको नैसर्गिक जीवन जिएंगे तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये जो स्ट्रेस रिलेटेड साइकोसोमेटिक सो कॉल्ड डिसऑर्डर्स होते उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि इसमें आपको ये बात कितनी सहमत होती, ये है एक बात। दूसरी बात क्योंकि क्या है, अपना एक्सपोजर साइंटिफिक है, इतने साल से विज्ञान का पकड़ा अपने माइंड के ऊपर इतना ज़बरदस्त है कि ये बातें अपने को सहजासहजी डाइजेस्ट भी नहीं होती है ना। और हम जो बोल रहे हैं ये टोटल नैसर्गिक रीति से आदमी ने कैसा ठीक होना चाहिए उसके आधार पे बोल रहे हैं। जो नैसर्गिक रीति से शरीर में तैयार होता वो कभी बाधक नहीं रहता, बाधा होती नहीं उससे, वो अपने लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, ज़रूरी केमिकल मॉलिक्यूल है जो एनर्जी का सोर्स है। सावरकर, जो आपने लाइफस्टाइल को एक इम्पोर्टेंस दिखाते हुए और कोलेस्ट्रॉल की ओरिजिनलिटी और वैल्यू इंसानी लाइफ में बताया, उसके लिए हम अभी मैं एक बात बताऊंगा इसमें। बोलिए सर। यदि मैं बोलता हूँ ये बात तो सच है, इसको आप साइंटिफिकली वेरीफाई करके मेरे पास में देखो, हम तो उतना स्टडी लेके प्रोजेक्ट लेके ऐसा उसको साबित नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा तजुर्बा और हमारा जो अनुभव है और हमको जो ज्ञान मिला उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आप इसके ऊपर में फिर से उसको रीअसर्च करके देखिए और हमको बताइए। कोलेस्ट्रॉल यदि ये मॉलिक्यूल का दवाई का सेवन यदि कम हो गया है ना, तो मैं तो बोलता ये तो ग्लोबल का ग्लोबल पूरा मार्केट डाउन, पूरा कोलेस्ट्रॉल से जो करोड़ों का चल रहा उसके ऊपर तो पूरी बाधा आ जाएंगी। तो ये एक विपरीत दिशा में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा सोचने का ढंग हम जो बता रहे क्लियरली साफ बता रहे, तो ये हम जो बता रहे आपको इसको आपको डाइजेस्ट करने के लिए और इसका जो फाइनेंस पे और मार्केटिंग पे जो असर होगा यदि हमारे विचारसरणी का, तो वो एक बहुत बड़ी बाधा है हमारी विचारसरणी आगे डेवलप करने बताने के लिए आप लोगों को। सही बोले आप, है कि नहीं, क्योंकि इसमें लाभ किसका नहीं है, है ना। लाभ है आपका वैयक्तिक स्वतंत्रता, जो कोलेस्ट्रॉल की बोले सालों साल से खा रहा उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएंगी, है ना। लेकिन जो मास्टर माइंडेड बैठे जो दुनिया चलाने वाले बैठे है ना, उनके लिए ये हमारे बहुत बड़ा आपत्ति का विषय हो जाएगा कि ये इस बात में वो तो पहले ये बोलेंगे कि ये बात जो बता रहे हैं इस बात में कोई अर्थ है या अर्थ नहीं है, हमको आपत्ति में भी लाएंगे। ओके, ठीक है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा उसको स्मरण करते हुए बताते कि जो कुछ ज्ञान हमको पारित किया है हम सही ढंग से आपके पास प्रेषित कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।